दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को यह जानकारी दी थी कि भैया बॉलीवुड की आने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों के रिलीज डेट में होगा बड़ा बदलाव और उसके साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म के फिर से आएंगे अच्छे दिन। यानी कि भैया जैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक नया गाइडलाइन आया है कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए कि भाई अब से महाराष्ट्र में कोई भी रेस्टोरेंट और उसके साथ कोई भी मॉल नहीं खुलेगा रात को 8 बजे के बाद, यानी कि भैया 8 बजे से हर एक रेस्टोरेंट और मॉल को बंद कर दिया जाएगा, तो भैया कैसे रिलीज होंगी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में। यानी कि भैया बॉलीवुड को लेकर एक बात हमेशा से हम लोग कहते आए हैं कि भैया बॉलीवुड की फिल्मों के लिए जो सबसे बड़ी टेरिटरी है वो महाराष्ट्र की टेरिटरी है, और उसमें सबसे बड़ी टेरिटरी अगर कोई है तो भाई वो मुंबई की टेरिटरी है, और यहीं से ही बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में जबरदस्त बिजनेस करती है। यानी कि भैया यहां से कई सारी फिल्में 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लेती हैं, और भाई जब नाइट शो बंद हो जाएंगे तो भैया कैसे रिलीज होंगी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में। यानी कि भैया इस बार तो लगता है किसी का कमिटमेंट टूटने वाला है। तो दोस्तों क्या है ये खबर, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड की आने वाली उन फिल्मों से जिसको लेकर सवालों का बाजार फिर से गर्म हो गया। यानी कि हाल फिलहाल में तो इन फिल्मों को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ रही थी कि भाई इन फिल्मों का पहला ट्रेलर पहला टीजर बहुत जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। यानी कि खबरों की माने तो बॉलीवुड से यह खबर निकल के आ रही थी कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई का जो टीजर है ट्रेलर है वो आने वाले महीने में यानी कि अप्रैल के महीने में पहले वीक में ही हम लोगों के सामने रख दिया जाएगा, और उसके साथ सत्यमेव जयते 2 का भी टीजर और ट्रेलर हम लोगों के सामने पहले वीक में ही आ जाएगा अप्रैल के। लेकिन अब जो नया गाइडलाइन आया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए उसको देखने के बाद तो सवालों का बाजार गर्म होना ही था कि क्या ये फिल्में सिनेमा घर में रिलीज होंगी। और भाई ऐसा क्यों है, तो भैया इसका एक टेक्निकल कारण है। यानी कि भैया ये फिल्में डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाएंगी तो वहां पर ये अपने मन मुताबिक अपना रेट तय कर पाएंगी उस ओटीटी प्लेटफॉर्म से, और भाई अगर ये फिल्में सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाती हैं तो वहां पर इन फिल्मों को वो दाम नहीं मिलता है जो कि ओटीटी पर डायरेक्ट आने से मिल सकता है। यानी कि अब यह बात कही जाने लगी है कि भैया बहुत सारी फिल्में अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार आने के लिए मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि 100% ऑक्यूपेंसी वाला रिपोर्ट तो हम लोगों ने आपको बताया था कि भैया गवर्नमेंट की तरफ से यह बात सबके सामने आ गई थी कि 100% ऑक्यूपेंसी के माध्यम से सिनेमाघर खुलेंगे, लेकिन फिर से एक बार कोरोना वायरस ने जिस तरीके से अपने पैर को पूरे इंडिया में पसारना शुरू किया है उसके बाद से ही ये बात हम आपको बता रहे थे कि भैया बहुत सारे जगहों पर सिंगल स्क्रीन अभी खुले नहीं है, और भाई अगर जो बड़े बड़े मॉल खुले हैं वहां भी पूरी तरीके से सिनेमाघर नहीं खोला गया। यानी भैया कुछ ही स्क्रीनों पर फिल्मों को रिलीज किया गया और वो स्क्रीन भी 50% ऑक्यूपेंसी के माध्यम से खुले हुए हैं। तो भाई उसके बाद इन दिनों जिस तरीके से इन फिल्मों को रिस्पॉन्स मिला है बॉक्स ऑफिस पर उसको देखने के बाद तो सवालों का बाजार फिर से एक गरम होने ही था कि भाई मुंबई सागा के साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों हुआ। यानी कि ये फिल्म 25 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर पाएगी कि नहीं, इसको लेकर संशय का बाजार गरम है, क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर ये बात तो मैंने आपको बता दी है कि भाई ये फिल्म अपने बजट को भी नहीं निकाल पाएगी, और यही कारण है कि आने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों को लेकर अब सुगबुगाहट चालू हो गई है बॉलीवुड में कि अब सूर्यवंशी का क्या होगा, अब राधे और मोस्ट वांटेड भाई का क्या होगा, अब भैया सत्यमेव जयते 2 का क्या होगा। क्योंकि हाल फिलहाल में ही बंटी और बबली 2 को लेकर यह जानकारी हम लोगों ने आपको दी थी कि भैया इस फिल्म का रिलीज डेट बदलने वाला है, और इसका कारण क्या है वो आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि भैया इन दिनों सिनेमाघर में अच्छी अच्छी फिल्मों को वैसी ओपनिंग नहीं मिल पा रही है जैसी ओपनिंग की शुरुआत होनी चाहिए थी। यानी कि इन दिनों गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ठीक ठाक बिजनेस कर रही है, लेकिन उसके बिजनेस को देखने के बाद हम ये कहेंगे कि भाई बड़ी मुश्किल से वो फिल्म भी 30 से 35 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी पूरे इंडिया से। तो दोस्तों अब तो मुझे इस बात का इंतजार है कि भाई किस फिल्म का नाम सबसे पहले हम लोगों के सामने आएगा कि भैया बॉलीवुड की आने वाली ये बड़ी फिल्म बहुत जल्दी ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। और भाई आपको एक बात बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी मेरे सामने आई है कि भाई चेहरे को लेकर भी ये बात उठने लगी है कि क्या चेहरे रिलीज हो पाएगी अब सिनेमाघर में।
यानी कि भैया बहुत सारे फिल्मों का रिलीज डेट बदलने वाला है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या खिलाड़ी कुमार, क्या दबंग खान, क्या हरक्युलिस अपनी बात पर कायम रहते हैं कि भाई इस कंडीशन में भी हम अपनी फिल्मों को सिनेमा घर में रिलीज करेंगे। यानी कि भैया अगर मुंबई की हम बात करें तो वहां पर जो आखिरी शो होगा सिनेमा घर का वो 5 बजे वाला ही होगा। यानी कि भैया जितने भी सिनेमा ऑनर्स हैं, जितने भी बड़े मॉल्स हैं, उन लोगों को फिल्मों को चलाकर खत्म कर देना होगा 7:30 के अंदर में, ताकि वो पूरे सिनेमा घर को खाली करवा सके, क्योंकि 8 बजे के बाद से सिनेमा घर बंद रहेंगे। तो दोस्तों आप अपनी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, फिर से एक बार OTT के अच्छे दिन आने वाले हैं कि नहीं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।